दोस्तों अगर आप भी IPL का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो अभी इस वीडियो को नीचे जाकर एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों IPL के ऑक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है और BCCI ने ऐलान कर दिया है कि IPL का ऑक्शन कब होगा, कहां होगा और किस समय होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL के ऑक्शन के बारे में और हम आज आपको सभी डिटेल्स बताने वाले हैं और आज हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के नाम बताने वाले हैं जो कि IPL के मिनी ऑक्शन में करोड़ों रुपये में बिक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे जाकर अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर लाल वाले सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइए ताकि IPL 2019 से लेकर हर खबर आप तक हम सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो BCCI ने ऐलान कर दिया कि 19 दिसंबर 2018 को IPL का मिनी ऑक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों यह ऑक्शन जयपुर में होगा और आपको पता होगा कि हम आपको बता देते हैं कि यह ऑक्शन का टाइमिंग है 2:00 PM से लेकर रात के 9:30 PM तक यह IPL का ऑक्शन होगा। दोस्तों ऐसी बात सुनने में आ रही है कि यह ऑक्शन एक ही दिन के लिए रखा जाएगा और एक ही दिन में सभी खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। तो दोस्तों ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों IPL का ऑक्शन 19 दिसंबर 2018 को होगा, जयपुर में होगा। टाइम टेबल तो हमने बता दिया, 3:00 PM से लेकर 9:30 PM तक यह IPL का ऑक्शन रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो IPL के मिनी ऑक्शन में करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला खिलाड़ी होगा जो कि करोड़ रुपए में बिक सकता है दोस्तों, युवराज सिंह, जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। मिडल ऑर्डर में बहुत तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। IPL 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब ने इन्हें 2 करोड़ रुपये में देकर खरीद लिया था, लेकिन IPL 2018 में युवराज सिंह का बेहतरीन प्रदर्शन ना होने के कारण किंग्स इलेवन पंजाब ने इन्हें रिलीज कर दिया। और दोस्तों आपको बता दी कि IPL 2019 के मिनी ऑक्शन में युवराज सिंह को कौन खरीदेगा, यह एक देखने वाली बात होगी। और दोस्तों आपको बता दी कि दूसरा खिलाड़ी होगा गौतम गंभीर, जिन्हें दिल्ली डेयर डेविल्स ने गौतम गंभीर को रिलीज कर दिया है। IPL 2019 के मिनी ऑक्शन में गौतम गंभीर भी आपको दिखाई देंगे। क्या गौतम गंभीर को दिल्ली डेयर डेविल्स रिटेन कर पाएंगी, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों तीसरा खिलाड़ी है जो कि करोड़ रुपए में बिक सकता है, उसका नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने देखा ही होगा आपने भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत ही तूफानी पारी खेली थी। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल एक तूफानी बल्लेबाज हैं और बहुत ही आक्रामक तरीके से खेलना पसंद करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को IPL के मिनी ऑक्शन में कौन खरीदेगा, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों चौथे खिलाड़ी होंगे न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम, जो कि ओपनिंग को आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और इनकी बल्लेबाजी भी बहुत देखने लायक होती है और देखने वाली बात होगी कि IPL 2019 के मिनी ऑक्शन में इन्हें कौन खरीदेगा। दोस्तों सिमरन हेटमायर वेस्ट इंडीज के युवा बल्लेबाज हैं और खतरनाक बल्लेबाज माने जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि IPL 2019 के मिनी ऑक्शन में यह करोड़ रुपए में बिक सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा सवाल है कि युवराज सिंह को IPL की ऐसी कौन सी टीम होगी जो IPL के मिनी ऑक्शन में खरीदेंगी, अपनी टीम में शामिल कर लेंगी और अपनी टीम को बहुत ही मजबूत बना लेंगी। दोस्तों उस टीम का नाम हमें बताइए जो युवराज सिंह को खरीद पाएंगी, उस टीम का हमें नाम बताकर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी और IPL 2019 से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट ट्रेंड खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को नीचे जाकर लाल वाले सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं।